अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, हल्का को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। थैंक यू वेरी मच। सो कैसे किससे कैसे कैसे कमेंट्स मिले आपके फ्रेंड से, इंडस्ट्री से, वो पहले जाना चाहिए? नहीं, वाकई में स्पेशली जो फिल्म का म्यूज़िक है बहुत सराहा जा रहा है, बिकॉज शंकर लॉय एहसान ने बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक फिल्म में दिया है, और जो गाने हैं उसमें उनमें एक फ्रेशनेस है। और हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है फिल्म का, और ऐसे सब्जेक्ट पे एक क्या कहते हैं, एक लाइट माहौल पैदा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आई थिंक नीलमाधव पांडा जो हमारे डायरेक्टर हैं और शंकर लॉय एहसान, दोनों ने मिलके बहुत खूबसूरती से उसको बुना है। ओके सर, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, आप क्या प्ले कर रहे हैं हल्का? देखिए, पहले मैं थोड़ा आपको कहानी के बारे में बताता हूँ। जो हल्का फिल्म है वो एक छोटे बच्चे की कहानी है, पिचकू की, जो कि खुले में जाके शौच करना उससे शर्माता है। सो एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक बच्चे की, जो किस तरह से सोसाइटी, फैमिली की अड़चनों से लड़कर वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। तो जो मेरा किरदार है फिल्म में वो पिचकू के पिता का है, और जो मेरा किरदार है वो एक रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा पुलर है, साइकिल रिक्शा, और माइग्रेंट इमिग्रेंट है, गांव से परिवार लाकर यहाँ आए, दिल्ली में आया हुआ है, स्लम में रह रहे हैं। तो उसकी जो प्रायोरिटी है, जो कि हर किसी आदमी की होगी उस वर्ग में या मध्यम वर्ग के लोगों में भी, कि किस तरह से वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सके, किस तरह घर की इनकम बढ़ा सके, तो यही उसका फोकस है। और इस ये फोकस जो है वो पिचकू के जो फोकस के साथ थोड़ा क्लैश करना शुरू कर देता है। तो ये फिल्म की बेसिक एक प्रेमिस है। ओके सर, आपके रोल के बारे में जाने, कैसे अभी बताया रोल, हाँ, कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्योंकि आप जब भी कोई भी रोल करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत ही 100% दे देते हैं जी, कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया आप? इसके पहले हमने वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया स्लम में, जहाँ हम लोग शूट करने वाले थे, उस गली में, उस मोहल्ले में, उन लोगों के साथ। फिर जो मेरे डायलेक्ट, जो एक लहजा है बोलने का इस किरदार का, उनके उसके लिए कोच थे मेरे पास, वो सेट पे भी थे और फिल्म के पहले भी ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी टाइम गुजारा। बाकी ऐसा मैंने किसी रिक्शा ड्राइवर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वैसे ही रिक्शा ड्राइवर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। तो कोई ऐसा वो एलियन नहीं लगा था मुझे कैरेक्टर के, ये आदमी कैसा होगा, बिकॉज एक सर्टन फेमिलैरिटी है ऐसे लोगों से के साथ, उठना बैठना, बैठकर बातचीत करना मेरा रहा है। तो ये प्रेपरेशन था। बाकी मैं फाइनल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो होती है, वो होती है जो आपकी स्क्रिप्ट और आपके डायरेक्टर, क्योंकि फाइनल नुआंसेस जो हैं, जो ज़रूरत है, होती है सीन्स में, वो फाइनली वहीं से आते हैं। आप जितना भी रिसर्च कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, फाइनली स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर आर द वंस विच मेक द फाइनल टचेस। ओके, इसके अलावा आपके अलावा ये मूवी में ततासु है और बावली दाम बहुत टाइम बाद आ रही है हिंदी मूवी में, तो कैसा एक्सपीरियंस था मैम के साथ काम करने? हनी पावली के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, मेरी भी पहली बार मैंने उनके साथ काम किया, पहली बार उनसे मिला। बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फन थी, इजी गोइंग थी, क्योंकि हमारा फैमिली का एक फैमिली इक्वेशन है हमारी तीनों की, तो उसमें भी हमने काफ़ी मज़े किए, बिकॉज वो भी काफ़ी मजाकिया हैं, और मैं और तथास्तु भी काफ़ी मस्ती करते थे हम लोग सेट पर, क्योंकि आई थिंक मुझे भी एक सीरियस माहौल में मेरे से भी ज़्यादा देर रहा नहीं जाता, तो आई थिंक तथास्तु का भी वही है, वो तो खैर बच्चा है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तक वही चल रहा है। सो पावली काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे साथ घुली मिली, हमने साथ में बहुत काफ़ी मजाक भी किए। ओके सर, ये मूवी एक ओपन शौच के बारे में है, इसके पहले भी एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम का था, वो भी वही बेस्ड मूवी थी, तो वो और ये मूवी में कितना अंतर होने वाला है, जो डिफरेंस होगा ये मूवी और? देखिए, एक तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फिल्म शौच के बारे में है या खुले शौच के बारे में है या ओपन डेफिकेशन के बारे में है या स्वच्छ भारत अभियान की प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसा नहीं है। ये एक कहानी है एक बच्चे के इनोसेंस को लेकर,
और ये जो कॉन्फ्लिक्ट एक उस बच्चे की लाइफ में आता है कि एक उम्र तक तो एक छोटे बच्चे चड्डी के बिना घूमे तो कोई नहीं पूछता, आपको नेचुरल लगता है, फिर उस बच्चे को हम सिखाना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट के बाद के नहीं नंगे, अब तुम बड़े हो गए, नंगे नहीं घूमना है। तो वो एक एज जहाँ आती है कि जहाँ पर हम उसको सिखा रहे हैं कि तुमको नंगे नहीं घूमना है, लेकिन उसी से उसी बच्चे को एक्सपेक्ट आप कह रहे हैं कि नहीं अब तुम खुले में जाकर शौच करो पॉटी करो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट उस एज पे आता है बच्चे के दिमाग में, और उसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर माधवदा ने ये पूरी कहानी बुनी है। अब उसमें एक बैकड्रॉप कह लीजिए, एक एक एस्पेक्ट कह लीजिए, वो है शौच का, बाथरूम का, स्वच्छ अभियान का, बट कहानी वो नहीं है। कहानी एक एक इनोसेंस, एक बच्चे की इनोसेंस की है। जहाँ तक टॉयलेट एक प्रेम कथा का सवाल है, मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है वो एक लव स्टोरी है विद द बैकड्रॉप ऑफ अ टॉयलेट। तो जो हमारी फिल्म है वो काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज ये कहानी एक बच्चे की है, जैसे मैंने कहा उसकी इनोसेंस की है, और किस तरह सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट उस इनोसेंस के लिए पैदा करती है, और उसकी कहानी। ओके सर, माधव सर ने इसके पहले आई एम कलाम मूवी बनाई है, कड़वी हवा बने है, आई एम कलाम ने नेशनल अवार्ड भी जीता है। डू यू थिंक ये भी मूवी नेशनल अवार्ड नॉमिनेट या जीत सकती है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ दोस्त, आपके हिसाब से? अगर नहीं, मैं तो चाहूँगा कि माधवदा की हर फिल्म नेशनल अवार्ड जीते, मेरी हर फिल्म नेशनल अवार्ड जीते, मैं नेशनल अवार्ड जीत जाऊँ, लेकिन मेरे कहने से कुछ होगा नहीं ना। ओके, 7 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, उसी के साथ आपकी और एक मूवी इन द शैडो भी रिलीज हो रही है, गली गुलियान और भी लैला मजनू और भी मूवी रिलीज हो रही है। डू यू थिंक ये मूवी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, क्योंकि इतने सारी मूवी है, आपकी भी एक मूवी है उसके साथ ही? ये भी मैं नहीं सोचता दोस्त, क्योंकि मेरा काम फिल्म बनाने तक होता है, उसके बाद फिल्म बेचना किसी और का काम है, फिल्म को रिलीज डिस्ट्रीब्यूट करना किसी और का काम है, फिल्म देखना किसी और का काम है। तो आदमी, मैं अपना धर्म निभाता हूँ और उसके बाद फल की इच्छा नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है फल की इच्छा करने से कुछ नहीं होता। ओके, इसके अलावा सर आपके बारे की मूवी आ रही है, बहुत ही लोगों में लोकप्रिय है, सुन चिड़िया करके जो आ रही है, उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बता सके आपके? उसके बारे में मैं आपको अभी यही बताऊंगा कि वो डाकुओं की कहानी है, और मेरा किरदार भी एक डाकू का है, और फरवरी 2019 में शायद फिल्म लगेगी, तब बात करेंगे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर लोगों को, आपकी मूवी 7 सितंबर को आ रही है? मैं 7 सितंबर को चाहूँगा कि हर कोई अपने परिवार के साथ सिनेमाघरों में जाकर फिल्म हल्का देखे, बिकॉज एक बहुत ही हल्की फुल्की फिल्म है, लाइट फिल्म है, और पूरे परिवार के साथ जाके आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सर, बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।